नमस्कार, डेली द लेटेस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ सोनिया डोगरा। जिस तरह से आपको बताते चले, कल एक नोटिस आया था नई बस्ती में कि 7 दिन के अंदर दुकानें जो है वो खाली कराई जाए। वहीं पे बात करें, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी आप पहुंचे हैं। चलिए इनसे बातचीत करके जानते हैं कि इनका इस बारे में जो नोटिस को लेकर क्या कुछ कहना है। आइए डालते हैं एक नज़र। नई बस्ती में जो है वो भी यहाँ नई बस्ती पहुँचे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। कदू आया नोटिस? कोले रोहित रोहित साहब रोहित कुमार किन्ने बंदे किस तरह से बचाएंगे? आज आप यहाँ पे पहुँचे हैं, जिस तरह से यहाँ नोटिस लोगों को सर्व हो रहे हैं। नई बस्ती की बात करें, सबसे पुरानी मार्केट है, कहेंगे कुछ? लगातार यहाँ पर लोगों को जो है वो नोटिस पे नोटिस आ रहे हैं। दुकानदार काफी ज्यादा डरे हुए हैं। कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई नोटिस नाटस के नोटिस है सला? एक ओदा नोटिस है सर, मेरा थोड़ा हां मेरा गुरप्रीत डोगरा जी। सर 2 दिन से सोते नहीं है सर, कोई चिंता वाली गल नहीं, कोई परवाह नहीं, करने ना सोने वाली केड़ी गल है? नहीं कोई ऐसी गल नहीं है, सोने वाली केड़ी गल कह रहे हो? कह रहे हो कि केहे वाली आ रहा जिले के आए सिर से बुलडोजर लेके आगे कर लेना उसे। कोई सिर से बुलडोजर लेके नहीं आ सकता, कमाल की गल है। तांदली पई है, तांदली पई दी है सर। सर 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 ये थोड़ा कमाल सर, 7 दिन का अल्टीमेटम दिया इन लोगों को सर। गल ये है, गल ये है कि 7 दिन का टाइम ये दिया गया है। नोटिस जरा नोटिस ਸਾਨੂੰ आया ना, जोगिंदर कुमार और भरा है देखिए तो देखिएगा, रविंदर रैना जो है नई बस्ती बाजार में मौजूद है। वहीं पे यहाँ पे नोटिस दिए गए हैं, वहीं पर रविंदर रैना जो है वो खुद यहाँ पे विजिट कर रहे हैं जहाँ पे नोटिस दिए गए हैं। और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि यहाँ पे दुकानें जो है वो नहीं तोड़ी जाएगी, यानी कि पीला पंजा जो है वो नहीं चलाया जाएगा। और साफ तस्वीरें जो है दिल्ली द लेटेस्ट न्यूज़ के माध्यम से आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी खुद यहाँ पे मौजूद है। तो ही नहीं साइड दे दो, सही गल है।
तो किस तरह से रविंदर रैना जो है नई बस्ती दुकानदारों से बातचीत करते हुए, और ये वही दुकानदार है जिनके पास नोटिस आए हैं, यानी कि 7 दिन के अंदर जो है दुकानें खाली करवाने के नोटिस आए हैं, वहीं पे उनको आश्वासन देते हुए कि कुछ भी नहीं होगा, बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा, वहीं पे यहाँ पे कोई तोड़फोड़ जो है दुकानें वो नहीं की जाएगी। तो यहाँ पे तस्वीरें देख सकते हैं, खोदा यार और यहाँ लोगों में बड़ी अपडेट आपको बता देंगे, जाएंगी नहीं वो काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका है, आप देखो मिल रहा है, चलो अगे चलो अगे रविंदर रैना जी का कहना है कि कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, वो लोग देखिए भावुक हो चुके हैं यहाँ पर, नई बस्ती का कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी वाली गल नहीं है, सब लोग बन गए हैं, कोई परेशानी वाली गल नहीं है, कोई रोटी थोड़ी पे दी है, रोटी पे दी है, कहता हूं आप निश्चिंत होकर काम करो, आपके ऊपर बुलडोजर चलने से पहले वो बुलडोजर हमारे ऊपर से गुजरेगा। जी कौन है सर? ठीक है फ्रेम ठीक है, टोटल किन्ने नोटिस आए होने मैसेज सर? आइए तो 7-8 आए, सारे ही बंडे कर देना, बंडा के सारे ही पिछली ईयर मार्केट है उन्हें सारे ही आए, 100 नोटिस आए, आराम से बैठ हो जाएगी यार, 200 दुकान है इस लाइन से, ये जो नई बस्ती के अंदर एक मामला सामने आया है कि यहाँ जो पिछले 50-60 सालों से यहाँ कुछ दुकानदार हैं, उनको ये जो नोटिस सर्व किया गया है, हमारी जानकारी में ये सारा मामला आया है, और जैसे ही इस मामले की हमें जानकारी मिली, यहाँ के जो हमारे ऑनरेबल कॉरपोरेटर हैं पवन सिंह जी और यहाँ हमारे सीनियर लीडर विनय गुप्ता जी, इन सब ने और फिर उसके बाद यहाँ डॉक्टर देवेंद्र मनियाल साहब और विबोध गुप्ता जी ने ये सारे यहाँ आकर नोटिस देखे और इसकी सारी जानकारी मुझे दी, और मैं खुद यहाँ नई बस्ती यहाँ नोटिस सर्व किए गए, कल रात को मैं यहाँ आया हूँ, मैंने उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से बात की है, माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी मैंने बात की है, खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ये बात कही है कि जिसके पास 5 मरले 10 मरले 15 मरले थोड़ी जमीन है और बहुत साल पहले से है, ऐसे किसी भी इंसान को तंग नहीं किया जाएगा,
ये लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा साहब ने कई बार कहा और फिर हमारे चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता साहब ने भी इस बात का जिक्र किया, आम इंसान को चाहे वो कहीं कोई दुकानदार है या गरीब मजदूर किसान है या किसी के पास कोई दादा विरासती कोई जमीन है, ऐसे किसी भी इंसान को तंग नहीं किया जाएगा। और उसके बावजूद ये जो नोटिस दिए गए हैं ये एक प्रकार की हैरासमेंट कुछ विभाग के अधिकारियों ने की है। क्या कार्रवाई होगी उनके खिलाफ? और मैं ये सारे नोटिस लेकर माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास अभी जाने वाला हूं। मैं आपको यकीन देता हूं, आप निश्चिंत होकर रहिए, जो गवर्नर साहब ने खुद कहा है, खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इस बात को पब्लिकली अनाउंस किया है और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी बोला है, आम जनमानस को कोई तंग नहीं किया जाएगा। अगर कोई बड़े लैंड माफिया हैं 50 कनाल 100 कनाल 200 कनाल जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से अपनी पोजीशंस का मिसयूज करते हुए सरकारी जमीनों या घास चराई पर कब्जा किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो बड़े लैंड माफिया हैं जिन्होंने हजारों कनाल जमीनें कब्जा करके पटवारी गर्दावर और तहसीलदारों के साथ मिली भगत करके गलत कागज तैयार करके बेच डाली जमीनें, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, किसी को कोई ऑब्जेक्शन प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन छोटे किसी दुकानदार को या कोई दो मरले चार मरले पांच मरले जिसके पास जमीन है और वो अपनी जिंदगी का गुजर बसर वहां से करता है, ऐसे किसी भी दुकानदार को या किसी भी इंसान को तंग नहीं किया जाएगा, आप निश्चिंत रहो। ये सारी कार्रवाई मैं एक बार गवर्नर साहब के सामने नोटिस में लाऊंगा और जो जो इसमें मुलव्वस पाया जाएगा, जिसने ये हरासमेंट की है, मैं गवर्नर साहब को बोलकर चीफ सेक्रेटरी साहब को बोलकर ऐसे हरासमेंट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। निश्चिंत होकर काम करें, अब ये दुकानदार निश्चिंत।